अमीर और गरीब बहन की जिंदगी। ब्रिजेश और रमा देर रात जागकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अजी, कौन से सोप के सागर में डूबे हुए हो? कुछ नहीं रमा, दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, उन्हीं के ब्याह के बारे में सोच रहा हूँ। अरे, दो बेटियों के ब्याह की बात कहाँ से आ गई? वो संध्या हमारी बेटी थोड़े ही है, भाई साहब की बदौलत बला बनकर हमारे सीने पर मूंग दल रही है। मगर है तो मेरे स्वर्गीय बड़े भाई साहब की बेटी, उसका ब्याह करना भी तो हम दोनों दंपत्ति के हाथों लिखा है। अरे, उस बला का ब्याह ऐसे किसी परिवार में कर देंगे जहाँ दान दहेज की कोई मांग ना हो। और रही बात अपनी बिटिया के ब्याह की, तो उसमें मुझे कोई कमी घटी नहीं चाहिए। अरे काहे चिंता करती हो, स्मृति की शादी पूरे शानो शौकत के साथ होगी। दोनों दंपत्ति भतीजी और बेटी के ब्याह के बीच का अलगाव उनके सौतेलेपन को सांचे में ढाल रहा था। संध्या अपने चाचा चाची ब्रिजेश और रमा और उनकी बेटी स्मृति के संग रहती थी। बचपन से ही रमा और ब्रिजेश संध्या से सारा काम काज कराते, तब जाकर उसे मारी हुई रोटी मिलती थी। संध्या अब सयानी हो चुकी थी, सप्ताह भर के भीतर ही दोनों बहनों के लिए रिश्ते आते हैं। संध्या, ये सुनील है, इन्होंने तुम्हें पसंद किया है। स्मृति, ये अनुराग है, छोटा परिवार शहर में बड़ा कारोबार है, जैसा तेरा सालों का सपना था। वैसे संध्या, सुनील की भी किराने की बड़ी सी दुकान और खूब सारी खेती बाड़ी है। ये चाचा जी बढ़ चढ़ कर झूठा बखान क्यों रच रहे हैं? मुझे संध्या से खुद बात करनी होगी। चाचा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दफा संध्या जी से अकेले में बातचीत करना चाहता हूँ। बातचीत करने के लिए संध्या सुनील एक कमरे में आते हैं। सुनील हिचकते हुए कहता है, संध्या जी, शादी को लेकर हर लड़की कई सपने संजोती है। मैं बतौर एक बनिया हूँ, संयुक्त साधारण परिवार से हूँ, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं। आप अगर अपने पांव पीछे करना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इंसान बड़ा सिर्फ अपने ओहदे से नहीं होता। माता पिता के जाने के बाद चाचा चाची ने मुझे पाला, मगर जिस स्नेह की आस मुझे उनसे थी वो अधूरी है। मुझे संयुक्त परिवार ही चाहिए जहाँ सभी स्नेह से रहते हो। संध्या के सच्चे स्वर सुनील के हृदय रूपी घर में गहरी छवि छाप छोड़ते हैं। एक ओर तो ब्रिजेश और रमा साधारण तौर से संध्या का ब्याह कर देते हैं, वहीं स्मृति की शादी शानो शौकत के साथ करते हैं। इस शादी के साथ दोनों बहनों के बीच अमीरी गरीबी की शुरुआत बढ़ती है। शादी की रात सुनील संध्या से कहता है, संध्या, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया था, खोल कर देखो। जैसे ही संध्या डब्बा खोलती है, उसके भीतर लाल रंग की साड़ी होती है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। शुक्र है जो तुम्हें ये साड़ी पसंद आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि शायद ये सस्ती साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आएगी। अजी, तोहफे तन से नहीं मन से सस्ती है। मुझे ये तोहफा आपने तहे दिल से दिया है, पसंद कैसे ना आता? जहाँ एक ओर सस्ती साड़ी में भी संध्या की खुशियाँ परवान पर थी, वहीं एक झलक स्मृति पर प्रतिबिंबित करते हैं। Hey, my beautiful wife, this gift for you, gorgeous. स्मृति बेसब्री से बॉक्स खोलती है जिसमें चमचमाता डायमंड सेट होता है। हीरो का हार, मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। स्मृति, ये हीरो का हार देखकर तुम बच्चों की तरह उछल रही हो। वो अनुराग, मैंने इतना एक्सपेंसिव तोहफा पहले नहीं पहना। तो अब महंगे तोहफों की आदत डाल लो, तुम्हारा पति इस शहर का जाना माना बड़ा बिजनेसमैन जो है। दोनों बहनों की शादीशुदा जीवन में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। जहां स्मृति देर सवेर उठती, वहीं संध्या सूर्योदय के साथ उठकर घर बार के कामों का निपटारा करके दूर कुएं से पानी भरती। समय गुजरता गया। सुनील संध्या के लिए अक्सर घर लौटते हुए कचौड़ियां जलेबी लाता, वहीं अनुराग स्मृति को 5-स्टार होटल में खाना खिलाता। एक दिन स्मृति संध्या के ससुराल आती है। किससे मिलना है बिटिया? संध्या यही रहती है क्या? हाँ बिटिया, यही संध्या का ससुराल है, मैं उसकी सास हूँ। मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, अरे पिंकी, जा जाकर चाची को खबर दिया कि शहर से उसकी बहन आई है। संध्या दौड़ती हुई बाहर आकर स्मृति के गले लगकर कहती है,
स्मृति आजा, इस गरीब बहन के घर में तेरा स्वागत है। संध्या स्मृति को अपने कमरे में लाती है। स्मृति अटपटा सा मुंह बनाकर चारों ओर ताकने लगती है। क्या हुआ स्मृति, इतनी देर से क्या निहार रही हो? संध्या, ये है तुम्हारा ससुराल। इतने बिच्चम बिच्चे कमरे में मेरा तो दम घुट रहा है, और इससे चार गुना बड़ा तो मेरा बाथरूम एरिया है। अरे शादी को साल भर भी न हुआ, ये फटी पुरानी साड़ी पहनती हो तुम, जरा भी नहीं जच रही है, मुझे देखो। स्मृति, ये साड़ी हल्की है इसीलिए पहनी है। अरे ये बहानेबाजी बनाना बंद करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी घनघोर गरीबी साफ शब्दों में बयान हो रही है। मेरी बहन, सभी की किस्मत तुम्हारी तरह बलवान नहीं, मेरे पति ये परिवार अपने बलबूते पर चला रहे हैं। मगर जीजा जी मेरे पति का मुकाबला नहीं कर सकते, कहाँ वो गांव के बनिया और कहाँ अनुराग शहर के सफल बिजनेसमैन है। स्मृति अपनी अमीरी का बखान करके संध्या को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, तभी कांता वहाँ आकर कहती है, संध्या बहू पानी खत्म हो गया, सांझ होने से पहले पानी ले आओ। संध्या गागर उठाए अपनी बहन के साथ नदी की ओर बढ़ने लगती है। अरे संध्या, और कितना दूर जाना है? बस स्मृति, ये पुल का पड़ाव पार करते ही नदी शुरू हो जाएगी, ये लो सफर पूरा हो गया। बाप रे, तुम्हें पानी भरने के लिए इतना दूर दराज आना पड़ता है, मेरे तो पैर कुमला गए। अरे मैं तो चार कदम भी पैदल नहीं चलती, अनुराग ने हाल ही में मुझे कार गिफ्ट की है ताकि मुझे पैदल न चलना पड़े, पैसे के बिन जिंदगी की जरूरत पूरी नहीं होती। शुक्र है जो मैं अमीर हूँ, वरना तुम्हारी तरह मुझे भी घनघोर गरीबी देखनी पड़ती। किसने कहा कि मैं गरीब हूँ? स्मृति, तुम्हारी और मेरी सोच एक दूजे से एकदम परे है। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, मगर मेरे लिए परिवार और पति का प्यार लाखों करोड़ों की कीमत से बढ़कर है। प्लीज यार संध्या, ये बेफुसूल के प्रवचन देना बंद करो। अरे इन दो दकियन उसी शब्दों से हम दोनों बहनें सिमिलर नहीं हो जाएंगी। जीजा जी तुम्हारे लिए सिर्फ चंद पैसे की जलेबी कचौड़ी लाते हैं, मगर अनुराग हर बड़े बिजनेस ट्रिप के बाद मुझे 5-स्टार होटल में ले जाते हैं, आए दिन महंगे तोहफे, और अभी तो साल भर भी शादी को नहीं हुआ, उन्होंने मुझे शॉपिंग में सैकड़ों साड़ी लेकर दी है। मगर जीजा जी तुम्हारे लिए एक सस्ती साड़ी भी नहीं लाते, जॉइंट फैमिली में यही आफत है। बस स्मृति, तुम मेरी बहन हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ससुराल की बेइज्जती करो, परिवार का प्यार बेहद बहुमूल्य है, रिश्ते बिकाऊ बिजनेसमैन नहीं मेरी बहन। संध्या के बोली सुनकर स्मृति कार में सवार होकर शहर आ जाती है। स्मृति कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ अनुराग, तुम इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हो? तुम तो बड़े बिजनेस डील के लिए गए थे, उसका क्या हुआ? स्मृति, उन्होंने धोखे से मेरे बिजनेस शेयर्स साइन करवा लिया, साथ ही अपनी अमीरी की धौंस से मेरी कंपनी कब्जे में कर ली। मेरे सालों के साथियों ने इस बुरे दौर में मेरा साथ छोड़ दिया। बिजनेस स्टाफ को पैसे चुकाने के लिए बड़ी रकम चाहिए, हमें ये घर भी दांव पर लगाना होगा। स्मृति को उस घड़ी कुछ नहीं सुहा रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ उसकी गरीब बहन संध्या के स्वर गूंज रहे थे। आज स्मृति का अहंकार चूर चूर हो चुका था, उसे परिवार और पैसे दोनों के बीच का फर्क पूरे तौर से समझ आ गया था। आज स्मृति का संसार संध्या से भी कहीं ज्यादा दूभर हो चुका था। दोस्तों, पैसा रुतबा ईश्वर की देन है, अगर वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। शायद ये ईश्वर की लाठी ही थी जो स्मृति पर पड़ी थी, जिसे आज वह घनघोर गरीबी में गुजर बसर करने को बेबस थी। ये थी हमारी अमीर गरीब बहनों की एक झलक। जादुई सोने की बकरियां और शहर। दूर दराज कुंदनपुर गांव में गड़रियों का बसेरा था। उस गांव गढ़ के सभी गढ़ बकरियों का दूध बेचकर बड़ी ही कठिनाइयों से अपना पेट पालते थे। चरवाहों के बीच बसा आपसी भाईचारा उनके प्रेमी स्वभाव को साफ शब्दों में साझा करता था। चरवाहे थोमा और बैजू के पास गांव के तमाम गड़रियों से सर्वाधिक बकरियां थीं। वह निश्चिन एक साथ बकरियों का झुंड लेकर उन्हें चराई के लिए लेकर जाते थे। सुबह की बेला गांव को घेरे हुए है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, सभी जन बकरियों को चराने ले जा रहे हैं। अरे बैजू आकर बैठ जा, अब बकरियां तो सारा दिन चरती रहेंगी।
दोनों दोस्त एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर बतियाने लगते हैं। अरे क्या बात है बैजू, आज तेरा चेहरा इतना कुमलाया क्यों दिख रहा है? अरे थोमा, तुझे खबर तो है कि कुंदनपुर में हम दोनों साथ ही ऐसे ही बकरी चारक हैं, जिनके पास बाकी जन की तुलना में ज्यादा बकरियों का बसेरा है। बावजूद इसके भी बकरियों का दूध बेचकर हमें कुछ खास विशेष कमाई हासिल नहीं होती, कभी कभार तो गुजर बसर भी बड़ा कठिन हो जाता है। अरे बैजू, इस बेरोजगारी का सरासर श्रेय कुछ इस कारणवश भी है क्योंकि गांव में सिर्फ गडरिये ही गडरिये हैं, और फिर इन बकरियों की बदौलत ही हम सभी जन के बीच प्यार की पाती बधी है। गांव में रहने वाले सभी जन के बीच सुनहरा स्नेह स्थापित था। सभी बकरी चारक एक संग सुबह बकरियां चराने कोसों दूर जाया करते और सांझ की बेला होते ही अपनी बकरियों को लेकर घर की ओर अग्रसर हुआ करते। मगर जैसे अब उन सभी जन की जीवनी झुंझलाने लगी, गांव का बड़ा तबका भुखमरी का शिकार होने लगा। अरे बैजू, हमारे गांव के भाई बंधु भुखमरी से जूझ रहे हैं। अरे अथक प्रयासों के बावजूद भी हमारा कुंदनपुर गांव पिछड़ता ही जा रहा है, सरकार भी हमारी तकलीफों को साझा नहीं करती, भगवान ने भी इस गांव से मुंह मोड़ लिया है। अब तो अंतिम चारा यही बचा है कि हम अपनी बकरियों को कसाई के हाथ बेचकर अपने भाई बंधु की भूख मिटाकर उनका बचाव कर सकें। दोनों दोस्त दो भागों में बटकर कुछ कसाईयों के पास जाते, फिर उसी सांझ। बैजू, कोई बात बनी क्या? बैजू? हाँ, बात तो हुई। कसाई हमारी बकरियों के बदले बढ़ चढ़कर कीमत देने को भी तैयार हैं, मगर ये सोचकर मन खुद को बड़ा कचोट कोस रहा है कि हम गडरिया अपनी बकरियों की जान की बाजी लगाकर अपने गांव को बचाव करेंगे। जब ये सोचते विचारते मैं गांव लौट रहा था तो मुझे एक शख्स ने बताया जादुई जंगल के बारे में। क्या कहा? क्या कहा तुमने? जादुई जंगल? अरे भला ये कहाँ पड़ता है? अरे यहाँ से कुछ कोस की दूरी का पड़ाव पार करके सियोन का सफर शुरू होता है ना, वही है जादुई जंगल। वहाँ सुनहरी घास है जिसे खाते ही हमारी बकरियाँ सुनहरी जादुई बकरियाँ बन जाएंगी। अरे तो फिर देरी किस बात की है, आज रात ही हम सारे चरवाहे बकरियों को लेकर जादुई जंगल चल पड़ते हैं। दोनों दोस्त गांव के सभी गडरियों से कहते हैं, अरे जागो दीना, बिरजू, हरिया, सभी के लिए शुभ संदेश है, अपनी अपनी बकरियों को लेकर हमारे साथ चलो। संपूर्ण गडरियों का समूह बकरियों का झुंड लिए रात की बदरी बेला में कोसों का पड़ाव पार करके उस जादुई जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ दीना कहता है, अरे इस जंगल का दौरा देखकर तो कुछ भी जादुई जान नहीं पड़ रहा, बल्कि जंगल का बड़ा भूभाग बंजर पड़ा हुआ है। बकरियां एक साथ कूदती फांदती हुई एक बंजर पेड़ को घेर लेती हैं, जिससे एक तेजोमय प्रकाश बैजू की एक बकरी में समा जाता है, जिसके साथ बकरी सींग से लेकर पैरों तक चमचमाती सोने की बकरी में बदल जाती है। ये देख दीना कहता है, अरे दादा ई का बला है, ये बैजू की बकरी सर से पांव तक एकाएक सोना में सराबोर कैसे हुई गई? दीना बैजू, थोम चकित ना हो, मेरा नाम बैरागी है, मैं एक जादूगरनी हूँ। एक बुरी पिशाचन ने मुझे बरसों पहले इस पेड़ के पांती में बंधक बना दिया था, आज बैजू की बकरी ने उस बंधक को तोड़ दिया, इसीलिए मेरा जादू तुम्हारी इस बकरी में समाहित हो गया है, जिस कारण ये सुनहरी सोने की बकरी बन गई है। अब ये सोने की बकरी जिसे भी स्पर्श करेगी वो सब कुछ चमचमाता सोना बन जाएगा। क्या सचमुच? हाँ एकदम। ये कहकर बैरागी अपना जादू बकरी को देकर चली जाती है और बैजू कहता है, मेरी बकरी जादुई सोने की बकरी है या साधारण, इसका पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए कुछ मांग करता हूँ। अरे ओ मेरी सुनहरी बकरी, इस घड़ी इन सभी बकरियों को अपने सोने कुंदन कंचन रंग में रख दो। ठीक है बैजू, मेरी बकरी साथियों मेरे पास आओ। सोने की बकरी का स्वर शब्द सुनकर सभी बकरी और उनके बच्चे झुंड में दौड़ती हुई उसके पास आती हैं। सोने की बकरी एकाएक अपने सोने के सींग से सभी बकरियों को स्पर्श करके कहते हैं, इसी पलचिन तुम संपूर्ण बकरियां सोने की बकरियां बन जाओ, मैं तुम्हें इस बात का प्रभुत्व देती हूँ कि तुम जिसे भी स्पर्श करो वह सोना बन जाए। बैजू की सुनहरी बकरी से संपूर्ण बकरियां भी चमचमाते सुनहरी बकरियों में बदल जाती हैं। उनके सुनहरे सींग, पूंछ,
पांव उनको नया आयाम दे रहे। बैजू, अपने साथियों से कहो कि हम सभी बकरियों को अब घर लेकर चले, देखो सांझ की बेला हो चली है। सभी गडरिये बैजू के साथ अपनी अपनी सोने की बकरियों को हाँकते हुए गांव वापस ले आते हैं, जहां सोने की बकरियों को देखकर पूरा गांव सन्ना उठता है। अरे, ये संपूर्ण बकरियां सोने के सांचे में कैसे ढल गईं? ऐसा समझ लो हमारा गांव अब इन सोने की बकरियों की बदौलत सुनहरा शहर बनने वाला है। वो कैसे? मेरी जादुई सोने की बकरी, जरा झुमरी को अपना जादू तो दिखाना। बैजू की जादुई सोने की बकरी अपने सोने के सींग से झुमरी की साड़ी को सहलाते हुए कहती है, असाधारण साड़ी, इसी पलछिन सुनहरे सुंदर साड़ी के सांचे में ढल जा। जादुई बकरी के इतना बोलते ही झुमरी का पहरावा सर से पांव तक सोने का हो जाता है। अरे, ये कैसा कौतुक था, मेरी साड़ी सोने में बदल गई। बैजू, क्यों ना हम सभी अपनी सोने की बकरियों से अपने गांव की गरीबी दूर कर दें? अरे, हमारी जादुई बकरियों, हमारी गुमटियों घरों को अपने जैसे सुंदर सांचे में ढाल दो। हम सभी बकरियों को अलग अलग छोर में सभी के घरों को स्पर्श करना होगा। सभी सुनहरी बकरियां प्रत्येक जन के घरों को छूकर उन्हें चमकते दमकते सोने में तब्दील कर देती हैं। इसी समय मेरे छुअन से ये गुमटी सुंदर बड़े घर में बदल दो। सोने की बकरियों की बदौलत सभी का घर सोने में बदल जाता है। अरे, इन सोने की बकरियों ने तो हमारे कुंदनपुर गांव की काया पलटी कर दी। सोचा नहीं था कि हमारे मिट्टी के गुमटे जो घर हैं ये सीधे सोने के घर हो जाएंगे। अरे, अब बारी है कि हम सभी अपने सोने की बकरियों से अपने गांव की गरीबी दूर करके क्यों ना इसे सुनहरे शहर के सांचे में बदल दें, ताकि कोई भी जन भावी भविष्य में हमारे सुनहरे शहर को बिसार न दे। सभी सुनहरी बकरियां जिसे भी छूती वह सोने में बदल जाता। गांव के घर से लेकर चबूतरे, खेल मैदान, कूचे, सब कुछ सोना बन चुका था। अरे, हमारा गांव सुनहरा गांव तो बन गया, लेकिन ये शहर में शुमार नहीं हुआ। जादुई सोने की बकरी, क्या तुम हमें सोना दे सकती हो? हाँ बैजू, अवश्य। हम सभी साथियों को हमारे गांव को शहर के सांचे में ढालने के लिए सोने की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि हम सुलभ शौचालय, विद्यालय इत्यादि की स्थापना कर सकें। सभी सुनहरी बकरियां अपने मुंह से सोने की बौछार बरसाने लगती हैं। इन्हें बेचकर हम अपने सोने की बकरियों की बदौलत सोने के गांव को शहर में बदल देंगे, ताकि हमारी सोने की बकरियां और सोना शहर पर्यटकों के स्थल की श्रेणी में शुमार हो जाए। हाँ, अब सरकार को खुद चलकर हमारे शहर आना होगा। जादुई सोने की बकरियों से मिले सोने के सिक्कों का सौदा करके सभी बकरी चारक गांव की बेला बदल देते हैं। इस तरह जादुई सुनहरी बकरियों की बदौलत सालों से पिछड़ा गडरियों का गांव सोना शहर का सोता बन जाता है, जहां अब सभी गढ़ एक साथ हंसी खुशी हर्षोल्लास से जीवन यापन करने लगते हैं। रात के समय तीन चुड़ैल पेट्रोल पंप पर आपस में बात कर रही थी। चुड़ैल बहन, आजकल इस पेट्रोल पंप पर कोई नहीं आ रहा, आखिर हम अपना पेट कैसे भरें? अरे बहन, तो चिंता क्यों कर रही है, कभी ना कभी कोई ना कोई तो इधर जरूर आएगा, और जब आएगा तब हम उसे अपने जाल में फंसा कर मौत के घाट उतार देंगे, जैसे हमारी मौत हुई थी, ठीक उसी तरह हम इंसानों को भी मारेंगे। ये कैसी बात कर रही हो, हम अपने जैसे उन्हें नहीं मारेंगे, बल्कि उनको एक भयानक मौत मारेंगे, जैसे कि हमारी हुई थी, उससे भी बदतर मौत हम इंसानों को देंगे। एक तरफ तो चुड़ैल आपस में बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रमाकांत अपने बेटे सुरेश, बेटी चंदा और पत्नी नैना के साथ घर की तरफ जा रहा था। तभी रमाकांत की गाड़ी में से आवाज आने लगती है और उसकी गाड़ी धुआं फेंकने लगती है। ये देखकर रमाकांत अपने बेटे से बोलता है, अरे सुरेश बेटा, देख तो, तेरी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, तुमने इसकी सर्विस नहीं करवाई थी क्या? कैसी बात कर रहे हो पिताजी, मैंने तो इसकी सर्विस आज सुबह ही करवाई थी, लगता है गाड़ी गर्म हो गई है। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि तभी रमाकांत की नजर गाड़ी के पेट्रोल के मीटर पर जाती है। ये देख रमाकांत बोलता है, ना तो तेरी गाड़ी खराब है और ना ही तेरी गाड़ी का इंजन गर्म हुआ है, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रखा है। अपने पिताजी की बात सुनकर चंदा हंसते हुए बोलती है, अरे पिताजी, ये कार में पेट्रोल क्या भरवाएगा,
इससे इसका खुद का खर्चा निकल गया, वही बड़ी बात है। बड़ी आई मुझे मेरा खर्चा बताने वाली, तुझे नहीं पता क्या कि पेट्रोल कितना महंगा है? अरे बस भी करो लड़ना, आगे एक पेट्रोल पंप है, चलो वहाँ चलकर पेट्रोल भरवा देते हैं। इस तरह रमाकांत थोड़ी दूर पर अपनी कार को जैसे तैसे चलाकर ले जाता है और वहाँ एक पेट्रोल पंप पर रोक देता है। उस पेट्रोल पंप के पास कोई भी नहीं था। रमाकांत आवाज लगाते हुए पेट्रोल भरने की मांग करता है। कोई है? अरे कोई है क्या? अगर यहाँ कोई है तो मेरे इस कार में पेट्रोल भर दो। रमाकांत आवाज लगाता रहता है लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। और जैसे ही रमाकांत पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल का पाइप उठाता है, वैसे ही वहाँ एक मामूली सी लड़की आती है और उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी सर, क्या आपको सेंस नहीं है कि बिना पूछे पेट्रोल पंप के पाइप को हाथ नहीं लगाना चाहिए? आपको पता है आपके ऊपर चोरी का भी इल्जाम लग सकता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर कई दफा आप लोगों को आवाज लगाई लेकिन आप लोगों ने एक बार भी मेरी आवाज नहीं सुनी, और जब किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी तो मैंने खुद ही पेट्रोल भरने का फैसला ले लिया। रमाकांत की बात वो पहली लड़की सुन रही थी कि तभी उस लड़की के पीछे से दो लड़कियां और आती हैं और बोलती हैं, तूने ये फैसला खुद ले लिया, यही तो सबसे बड़ी गलती कर दी तूने। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तू ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला है। इतना कहकर वो तीसरी लड़की एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और चुड़ैल को देख रमाकांत अब बहुत ही ज्यादा डर जाता है। डर कर भागने की कोशिश करता है कि तभी उसके सामने वो दो लड़कियां भी आ जाती हैं और वो दो लड़कियां भी एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती हैं। इस तरह उन तीनों चुड़ैल में से एक चुड़ैल रमाकांत के मुंह में पेट्रोल का पाइप डाल देती है और दूसरी चुड़ैल उसके मुंह में पेट्रोल भरने लगती है कि तभी तीसरी चुड़ैल माचिस की तीली जलाकर रमाकांत के शरीर पर फेंक देती है। इस तरह रमाकांत जलते हुए अपनी कार के पास आता है। ये देख अब उसके परिवार वाले बहुत ही घबरा जाते हैं और वो उसको बचाते उससे पहले रमाकांत अपनी कार में चिपक जाता है और आग लगने की वजह से उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। इस तरह रमाकांत के साथ साथ उसके परिवार की एक भयानक मौत हो जाती है। उसकी मौत की खबर अब पूरे गाँव में फैल जाती है। ये सुनकर अब सभी गांव वालों के मन में खौफ आ जाता है और इस तरह कोई भी उस पेट्रोल पंप के पास अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए नहीं जाता। दिन के समय तो लोग उस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते थे लेकिन रात के समय कोई भी वहां नहीं जाता, क्योंकि वहां कोई भी जाता तो वो चुड़ैल लोगों को भयानक मौत दे देती। इस तरह वहां पर रात के समय कोई भी आना या जाना पसंद नहीं करता था। एक बार की बात है, तीन दोस्त अपनी कार में पार्टी करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो चारों दोस्त उस पेट्रोल पंप पर जाते हैं कि तभी वो तीनों चुड़ैल उनके सामने आती हैं और उन्हें घेर कर उनसे बोलती हैं, आज हम तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देंगे, हम अपनी मौत का बदला लेंगे। तुम कौन हो और हम दोस्तों को इस तरह क्यों मार रही हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू हम तीनों को बोल रहा है? वाह, मुझे ये विश्वास नहीं था कि तुम लोग हमें भी बोल सकते हो। मंजू, मोनिका, रीना, ये तुम तीनों हो क्या? तू हम लोगों को कितने अच्छे से जानता है। अरे तुम दोनों को तो ये चुड़ैल जानती है, आखिर तुम दोनों ने इन चुड़ैलों के साथ क्या किया है जो ये चुड़ैल हम लोगों को मारने के लिए उतावली हो रही है? तेरे तो सच्चाई नहीं बताएंगे, इसीलिए मैं तुझे सच बताती हूँ। आज से 3 साल पहले की बात है, हम तीनों बहनें रात के समय अपने अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे कि तभी हमारी कार में पेट्रोल खत्म होने की वजह से हम इस पेट्रोल पंप पर आ गए और ये तीनों दोस्त हम तीनों बहनों पर गंदी नजर बनाए रखे हुए थे। इन तीनों ने हमें देख कर कमेंट करना शुरू कर दिया और कमेंट करते हुए गाना गाने लगे ये लोग। पिया मोरे होले होले, मूव योर बॉडी शोले शोले, ले चलूं तुझे संग, मुझे तेरे साथ जाना है। तुम्हारे घर में लड़कियां नहीं है क्या जो तुम हम तीनों बहनों को इस तरह छेड़ रहे हो? जाने मन लड़कियां तो बहुत है लेकिन मैंने तुम जैसी लड़कियों को आज तक कभी नहीं देखा। तुम लोग फालतू की बकबक करते रहो, मैं तो अपना काम करके यहाँ से निकल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर विनय के साथ साथ रमाकांत और विजय दोनों ही विनय के साथ उन तीनों बहनों को लूट लेते हैं, जिसके बाद वो उन तीनों बहनों के साथ दुर्व्यवहार करके उस पेट्रोल पंप में आग लगाकर उन तीनों बहनों को वहीं जलाकर मार देते हैं। ये है
हम तीनों की कहानी। हम तीनों में से मैंने रमाकांत और उसकी फैमिली को तो मार दिया, बस ये दोनों बच रहे थे, इसलिए इन दोनों की अब बारी है। तुम्हारे साथ तीनों ने गलत किया है तो तुम हम जैसे बेकसूर लोगों को क्यों मार रही हो? तुम हम लोगों को छोड़ दो, तुम इन दोनों को मारकर अपनी मौत का बदला ले लो और हम जैसे बेकसूर लोगों को यहाँ से जाने दो और खुद भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ। जैसे तुम तड़प तड़प कर मरी थी, वैसे ही हम इंसान भी तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जैसे तुम्हें दर्द हुआ था, ठीक उसी तरह हमें भी दर्द होता है। तुम अपने कातिलों को मारो ना, कि बेकसूर लोगों को क्यों मार रही हो? ठीक है, मैं इन दोनों को मार दूंगी और तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इन जैसे दरिंदे लड़कियों के साथ बेहद बुरा करते हैं और इन जैसे कसाई लोगों को सबक सिखाने के लिए हम तीनों बहनें इसी पेट्रोल पंप पर रहेंगे। लेकिन हाँ, हम तीनों तुमसे वादा करते हैं कि हम किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। विशाल उसकी बातों से सहमत हो जाता है और दूसरी तरफ वो तीनों चुड़ैल उन दोनों को भयानक मौत दे देती हैं। इस तरह विशाल अपने घर चला जाता है और अब उस पेट्रोल पंप के पास उन तीनों चुड़ैलों ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग वहां आते और शांति से पेट्रोल भर के वहां से चले जाया करते हैं। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली सास बहू। आइए आइए, अपना मन और गला तरोताजा कीजिए, आइए आइए और ठंडी ठंडी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, लिमका, कोका कोला पीजिए, बर्फ की चिल्ड पेप्सी पीजिए, ₹5 गिलास। अरे अंकल, जरा मुझे एक पेप्सी का गिलास बना कर देना। अभी देता हूँ, एक मिनट। ये कहते ही चमन पेप्सी की एक बोतल को सोडा मशीन में लगाकर कुछ सेकंड्स के लिए रखता है और गैस बनते ही उस बोतल को एक गिलास में पलट देता है और कहता है, ये लो आपकी ठंडी ठंडी पेप्सी तैयार। ये पीते ही रमन ठंडी आहें लेकर कहता है, अरे वाह अंकल, आपकी कोल्ड ड्रिंक पी के तो मजा ही आ गया। इतने सस्ते दाम में आप पूरा बोतल वाली पेप्सी का टेस्ट देते हो, वही स्वाद, बस यही कि आपकी पेप्सी सस्ती है। शुक्रिया तुम्हारा, और पी लो, ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ये तो बिल्कुल सही कहा अंकल, ऐसा करो अब की बार मेरे लिए ऑरेंज वाली कोल्ड ड्रिंक बना दो। अभी बना देते हैं बेटा। ये कहते ही चमन उसके लिए ऑरेंज वाली सोडा डालकर कोल्ड ड्रिंक बना देता है, जिसे पीकर रमन को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है, अरे वाह वाह अंकल, मजा ही आ गया। मैं तो कल से अपने दोस्तों को भी आपकी दुकान पर लाऊंगा। कितने पैसे हुए आपके? ₹10 हुए बेटा, 2 गिलास के। ये लीजिए आपके पैसे। अरे भाई साहब, बड़ी गर्मी लग रही है, जरा एक गिलास पेप्सी वाली कोल्ड ड्रिंक बनाना। अभी बनाता हूँ। उस औरत के लिए एक पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक बना देता है, जिसे पीकर औरत कहती है, अरे भैया, इस कोल्ड ड्रिंक को पीकर तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अमृत पान कर लिया हो। सच में भाई साहब, आप बहुत अच्छा बनाते हैं, कम बजट टेस्ट वही। अरे स्वाद तो लगेगी ही आपको, 5 सालों से मेरा बिजनेस जो चल रहा है कोल्ड ड्रिंक का। इसीलिए तो भाई साहब, हमेशा यहीं से पेप्सी पीती हूँ। ये लीजिए भाई साहब, आपके पैसे। ये कहते ही निधि चली जाती है। वहीं चमन दिन भर अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचने के बाद अपना ठेला लिए घर चला आता है और कहता है, महिमा महिमा, अरे महिमा देखो तो मैं आ गया हूँ, बहुत प्यास लग रही है, जल्दी से पानी लाओ, खड़े खड़े धूप में तो जान निकल जाती है मेरी। अरे महिमा, ओ महिमा, देख तो सही चमन आ गया है, पानी लिया उसके लिए। आई माँ जी, बस आ गई, कपड़े सुखा कर जा रही थी, बस हो गए हैं। चमन जी पानी पीजिए। महिमा से पानी लेकर चमन अपनी प्यास बुझा लेता है और उसे पैसे देकर कहता है, ये लो महिमा, ये सारे पैसे तिजोरी में रख दो। पता है, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, जब से तुम आई हो हमारे घर में बरकत तुमसे ही बड़ी है। ये तो है, मेरी बहू घर को बहुत अच्छे से संभालती जो है। अब लो ये पैसे। शुक्रिया चमन जी, ये सिर्फ मेरी वजह से ही थोड़ी हुआ है, माँ जी इतनी अच्छी हैं, आप इतने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो घर में बरकत होना तो लाजमी था। हाँ हाँ, चलो ये भी अच्छा है, अब खाना तो खिला दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, चलिए चलिए, आज मैंने आपकी पसंद के पालक पनीर और कढ़ी चावल बनाए हैं।
अरे वाह, आज तो मैं जी भर के खाना खाऊंगा। ये कहते ही सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और चमन खाने को देखते ही खाने पर टूट पड़ता है। तभी रमा कहती है, अरे बेटा आराम आराम से खा, इतनी हबड़ हबड़ में खाना क्यों खा रहा है? अरे माँ खाने दो ना, बहुत भूख लग रही है, पता नहीं कल को मैं इतना अच्छा अच्छा खाना खा भी पाऊँ या नहीं। चमन जी आप पागल हैं क्या, ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं हमेशा आपको ये खाना खिलाऊंगी। खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन चमन अपने कोल्ड ड्रिंक का ठेला लिए जा ही रहा था कि एक बड़ा सा ट्रक तेजी से चमन के ठेले की ओर आता है। चमन हटने की कोशिश करता है, इतने में ट्रक वाला उसके ठेले समेत उसे उड़ा देता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात जैसे ही महिमा और रमा को पता चलती है तो वो बेहद टूट जाते हैं। अपने पति की लाश पर रोते हुए महिमा कहती है, मैंने कहा था ना चमन जी ऐसा मत बोलिए। क्यों कहा आपने? माँ जी इनसे बोलो कि ये उठे। चुप हो जा बहू, रो मत, जाने वाले को आखिर कौन रोक सकता है। इसलिए शायद मेरा बेटा कल जी भर के खाना खा रहा था, भगवान भी यही चाहते थे। काकी अब हमें चमन भाई का अंतिम संस्कार करना होगा। ये कहते ही पुष्पा चमन को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। महीना बीत जाता है। भगवान की दया से चमन अपने घर के लिए पैसे जोड़ कर गया था, पर तभी निधि और रमन उनके घर दस्तक देते हैं। हाँ जी आपको क्या काम है बताइए। दीदी क्या चमन भाई साहब का घर यही है? एक महीने से कोल्ड ड्रिंक बेचने नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई? हमें उनकी कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, इसीलिए हम पता पूछते पूछते यहाँ तक आ गए। हाँ हाँ मुझे भी अंकल की हाथ की बनी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मैं हमेशा उनकी दुकान पर आता हूँ। माफ कीजिएगा पर अब आप कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाएंगे। अरे क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमसे कोई गलती हुई क्या? हम तो उनके डेली के कस्टमर हैं। बेटा बात वो है कि मेरा बेटा एक महीने पहले गुजर गया एक एक्सीडेंट में। क्या? मेरे लिए तो यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। भाई साहब बहुत अच्छे थे, इतने सालों से उन्होंने बहुत मेहनत से अपना नाम कमाया था। अक्सर उनकी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बाहर भीड़ लगी रहती थी, पर वो तो है ही नहीं। हाँ हाँ आंटी आप भी अंकल की तरह पेप्सी बनाकर बेचो ना। अरे बेटा तूने तो बहुत अच्छी बात कह दी, मैं अभी आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप भाई साहब की पत्नी हैं, आपके हाथों में जरूर वो जादू होगा जो भाई साहब की कोल्ड ड्रिंक में था। अरे नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, आप जा सकते हैं, माफ कीजिए। ये कहकर महिमा दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन चमन के ग्राहक फिर उसके घर आते हैं और कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करते हैं। तभी रमा कहती है, बेटा भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है, जो लोग कह रहे हैं वो हम कर सकते हैं, इतने पैसे तो हैं ही कि सोडा की दोबारा मशीन आ जाए और कोल्ड ड्रिंक का सामान भी। पर माँ जी, देख बेटा दो चार दिन बाद पैसे खत्म हो ही जाएंगे, उसके बाद हमें काम की जरूरत पड़ेगी तो क्यों ना हम चमन के काम को ही आगे ले जाएं। ठीक है माँ जी, अगर आप चाहती हैं तो हम यही करेंगे। ये कहते ही सास बहू मिलकर कोल्ड ड्रिंक बनाने का सामान जुटा कर नया ठेला लेते हैं। अगले दिन से पेप्सी बनाकर उसी जगह बेचने लगते हैं। पेप्सी लीजिए पेप्सी, ठंडी ठंडी ताजा ताजा पेप्सी लीजिए पेप्सी। आइए आइए पेप्सी लीजिए, चमन स्पेशल कोल्ड ड्रिंक अब नए नाम से मार्केट में आ गई है, सास बहू कोल्ड ड्रिंक के नाम से। अपनी थकान मिटाइए और गटागट पीजिए। अरे लगता है ये उनकी पत्नी ही है, लगता है प्यासे को कोल्ड ड्रिंक का कुआं मिल गया। सास बहू को कोल्ड ड्रिंक बेचते हुए देखकर निधि उनसे कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंच जाती है और पीकर कहती है, अरे वाह वाह बहन जी, आपने हमारी बात का मान रखा और कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोल ही ली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच बताऊं तो बिल्कुल भाई साहब जैसा ही स्वाद आ रहा है आपकी कोल्ड ड्रिंक में, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आप 6-7 बोतल कोल्ड ड्रिंक पैक कर दीजिए। शुक्रिया हमें सहारा देने के लिए, बस इसी तरह अपना साथ बनाकर रखना। 2 मिनट दीजिए मैं अभी कोल्ड ड्रिंक बनाकर देती हूँ। ये कहते ही महिमा एक के बाद एक सोडा मशीन में कोल्ड ड्रिंक्स तैयार कर लेती है और निधि को दे देती है। ये लीजिए आपकी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। आंटी
आपने दुकान खोली, जल्दी से मुझे पेप्सी बनाकर दे दीजिए। जरूर बेटा, अरे मुझे भी सिखाना ये सोडा मशीन कैसे चलती है। ज्यादा कुछ नहीं करना माँ जी, बस पेप्सी लेकर सोडा मशीन में लगाना है और पलट देना है। महिमा की बात सुनकर रमा सोडा मशीन में कोल्ड ड्रिंक बनाती है और बखूबी से बनाकर वो रमन को गिलास देती है। ये लो बेटा, और पीकर बताओ कि कैसी बनी है, तुम्हारे अंकल जैसी बनी या नहीं। आहा, अरे आंटी मजा आ गया ठंडी ठंडी पेप्सी पीकर। अंकल से भी अच्छी बनाई है आपने तो, एक गिलास और दे दीजिए। जरूर बेटा। ये बोलकर महिमा उस बच्चे को एक और पेप्सी का गिलास देती है। इसके बाद लगातार ग्राहक आने लगते हैं और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करते हैं। तब सास बहू को फटाफट लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। पहले दिन सास बहू की कोल्ड ड्रिंक काफी पैसा कमा लेती है। इसके बाद धीरे धीरे उनकी कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस चमन जितना चलने लगता है। हर गली शहर से लोग उसकी कोल्ड ड्रिंक को पीने आते हैं। वक्त के साथ वो बड़ी बड़ी मशीन लगाकर कोल्ड ड्रिंक्स बेचकर इतना पैसा कमाने लगी थी कि अब बड़ी दुकान करके उसे कांच की बोतलों में देती थी। माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने कहाँ से शुरू किया था और आज इतनी बड़ी दुकान कर ली है कि गिलास की जगह बोतलों में कोल्ड ड्रिंक देते हैं। ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा बहू। इस तरह सास बहू अब लोगों के घर पर भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को सप्लाई करते और अपने व्यापार को और बढ़ाते हैं और खुशी खुशी जीवन एक साथ व्यतीत करने लगते हैं। चुड़ैल का सुनहरा गाय घर। तेज आंधी तूफान के साथ धरती डावाडोल हो रही थी। सभी के चेहरे खौफ से पीले पड़े हुए हैं। तूफानी बवंडर के बीच एक तेज चमक आसमान में चकाचौंध हो रही थी। वो चमक एक सुनहरे गाय घर की थी। गाय घर के फाटक पर चुड़ैल खड़ी होकर चीखती चिल्लाती हुई समय पूरा गांव की सीमा में घुस आती है। चल मेरे गाय घर टिक टिक टिक, चल मेरे गाय घर टिक टिक टिक, चल मेरे सोने के गाय घर, जल्दी से दीना के घर के सामने स्थापित हो जा। जो हुकुम हुजूर। चुड़ैल के स्वर शब्द सुनकर सुनहरा गाय घर दीना के घर के सामने आकर स्थापित हो जाता है। चुड़ैल अपने भयावह आवाज से दीना की घर की ओर ताकते हुए गुनगुनाती है। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगी, टूटा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। गुस्सैल चुड़ैल की आंखों में मानो खून सवार था। वो दांत पीसती हुई दीना को पुकारती है। अरे ओ दीना, चल बाहर आ जा, दूध दूने का समय हो चला। देख गाय गुहार लगा रही है, लगता है ये मुझ चुड़ैल के चंगुल में आसानी से नहीं फंसेगा, मगर बचकर जाएगा कहाँ। ये उबासी मुझे सो जाना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने सुनहरे गाय घर की सोने की सीढ़ियां चढ़कर अपने आलीशान घर में आराम फरमाने लगती है। तभी उसके कानों में किसी के कदमों की धमक सुनाई देती है। चुड़ैल जादुई सुनहरे गाय घर से बाहर निकलकर उस शख्स की गर्दन दबोच कर कहती है, आहा, अब तेरा क्या होगा दीना। अरे छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे। अरे तेरे कान है कि कैमरा, अरे तुझे मेरे बाहर आने की आहट कैसे सुनाई दी। तेरे कदमों की धमक कैसे बोल सकती हूँ दीना, चोरों की चाल चलना तो तेरा पुराना पेशा है। देखा मेरा सुनहरा गाय घर, कातिल आज मेरी कैद में है। हुजूर, इसे ठीक वैसे ही मारना जैसे इसने हमें मारा था। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। तुझे ऐसा तड़पता हुआ देखकर मेरे कलेजे को कितना सुकून मिल रहा है। अरे नहीं चुड़ैल, अरे मुझे माफ कर दो। याद है दीना, मैंने भी उस रात तुझसे ऐसे ही मिन्नतें मांगी थी। ये कहानी है समयपुरा गांव में रहने वाली सावित्री की। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम गौरी था। गौरी सावित्री को प्रत्येक सांझ सवेरे खूब सारा दूध देती थी। गौशाला में बंधी गौरी जोरों शोरों से गुहार लगा रही थी। अरे गौरी, तेरा ही चारा बना रही हूँ, थोड़ा सा धीरज रख, इतनी भी क्या आतुरता है चारा चखने की। सावित्री गौरी को सहलाते हुए चारा खिलाती है। ये ले तेरा चारा, जी भर कर खा, तभी तो सांझ की खूब सारा दूध देगी।
गौरी सावित्री को चाट कर अपना प्रेम भाव जाहिर करती है। चारा खाकर चाट कर प्यार जाहिर करना तेरी पुरानी आदत है, एक तू ही तो है मेरा सब कुछ, तेरे सिवा मेरा है कौन। सावित्री का उसकी गाय गौरी के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। सावित्री का दूध का व्यापार भला चंगा चल रहा था। जहाँ गांव का एकाधिक तबका सावित्री से खुश थे, वहीं ग्वालों के लिए सावित्री और उसकी गाय गले की फांस बन गई थी। अरे जाने ये सावित्री की गाय किस नस्ल की है ससुरी, एक बार में इतना सारा दूध देवत है कि पूरा गांव वासी का पेट लबालब भर जात है। जब से ये ससुरी सावित्री ने दूध बेचने का धंधा शुरू किया है, हम ग्वाले गरीबी की कगार पर आ गए हैं। मोहन, कैसा रहेगा अगर सावित्री की गाय ही न रहे? अगर हमें अपना घर बार चलाना है तो उसकी गाय को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। हाँ दीना, हम सभी उस बात से सहमत हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाने पर ग्वाले दबे पांव सावित्री के गौशाला में दस्तक देते हैं। उन्हें देख गौरी पगुराई करते हुए जोरों शोरों से गुहार लगाने लगती है। आवाज सुनकर उसारे में सो रही सावित्री उठ खड़ी होती है। ये एकाएक गौरी आधी रात में गुहार क्यों लगाने लगी, जाकर देखती हूँ। सावित्री गौशाला में आती है तो ग्वाले उसकी गाय की गर्दन को रस्सी से बांधकर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। अरे कसाईयों, एक बेजुबान जानवर पर ये कैसा कहर ढा रहे हो तुम। अरे सीधी सादी बनने की कोई जरूरत नहीं है सावित्री, तेरी इस गाय ने हम ग्वालों के धंधे को चौपट कर दिया है। अरे दाने दाने को मोहताज हो गया है हमारा बाल परिवार, तेरी गाय को मरना ही होगा। जैसे ही तेरी गौरी जहर से शराब और इस दाने को खाएगी, इसका काम तमाम। अरे क्यों जबरन एक बेजुबान जानवर को जहरीला कौर खिला रहे हो। दीना और मोहन सावित्री की आंखों के सामने गौरी को तार बघार कर देते हैं। नीच निर्दयी, मैं चीख चीख कर पूरे गांव के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्टा खोल दूंगी। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं, इसे भी इसकी गाय गौरी के पास पारघाट पहुँचा देते हैं। तमाम ग्वाले सावित्री को मार कर चले जाते हैं। तभी सावित्री के शव से एक चमक बाहर आती है जो भयावह चुड़ैल में बदल जाती है। नहीं छोड़ूंगी, एक एक को चुन चुन कर मारूंगी, गौरी जागो। चुड़ैल के खून के कतरे जैसे गौरी पर पड़ते हैं, वो चमचमाते सोने की गाय में बदल कर अपने पांव पर खड़ी हो जाती है। गौरी तुम जिंदा कैसे हुई। मालकिन, मेरा ये सुनहरा जीवन एक दैविक का वरदान है, जितने भी मेरी मालकिन की मौत के जिम्मेदार है, मैं गौरी सुनहरा गांव घर के सांचे में ढलकर उन सभी के मनों में घनघोर लालच भरूंगी, और जब वह हमारे पास चक्कर लगाएंगे तो ये सुनहरा गाय घर उनकी मौत का कारण बनेगा। जैसे ही सुनहरी गाय के स्वर शब्द खत्म होते हैं, वो एक जादुई सुनहरे गाय घर के सांचे में ढल जाती है, जिसके भीतर से एक सुनहरी सीढ़ी निकल कर आती है। अब ये सुनहरा गाय घर ही उन ग्वालों की मौत का कारण बनेगा। अगली रात चुड़ैल अपने सुनहरे गाय घर में सवार होकर मोहन के घर के पास स्थापित होती है। सोने के गाय घर को देखते ही मोहन के मन में घनघोर लालच समा जाता है। अरे क्या मेरी निगाह सचमुच में सोने का गाय घर देख रही है, कहीं ये सपना तो नहीं। अरे मोहन, तू तो माला माल हो गया। मोहन खुशी से हाथ मलते हुए सुनहरी गाय घर की सोने की सीढ़ियों को चढ़कर जैसे ही अंदर दस्तक देता है, चुड़ैल कहती है, फंस गया शिकार, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर है सुनहरा, ये है चुड़ैल का पहरा। अरे बैजू कहता था बुलाती है मगर जाने का नहीं, मगर मुझे क्या पता था ये बुलावा चुड़ैल का है। चुड़ैल मोहन को मारकर गांव के मैदान में फेंक देती है। मोहन की मौत से मैंने शुरुआत कर दी है, इस चुड़ैल के चंगुल से कोई भी हत्यारा नहीं बचेगा। चुड़ैल प्रत्येक रात सुनहरे गाय घर को उन्हीं गांव वालों के घर के पास स्थापित करके उनका शिकार साधती। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है, जो समय पुरा में मौत का मंजर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे रमिया, आजकल तो गांव में एक सुनहरे गाय घर की सनसनी मची हुई है, सुना है उसके भीतर एक चांडाल चुड़ैल रहती है। हो ना हो, ये चांडाल चुड़ैल और कोई नहीं सावित्री है, और वो सुनहरा गाय घर उसके छलायन की छवि है। तूने मुझसे बचने की कोशिश तो बहुत की थी, मगर देख आज तेरा अंत आ ही गया। समय पूरा गांव के निवासियों, देखो ये वही जल्लाद है जिसने मेरी बेजुबान गाय गौरी को मेरे सामने लहूलुहान किया।
अरे बिंदिया, तूने तो एकदम सच कहा था कि ये तो सचमुच में चुड़ैल का सुनहरा गाय घर है। चुड़ैल धीना को मौत के घाट उतार कर अपना इंतकाम पूरा करके कहती है, आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ, मगर मैं सदा इस सुनहरे गाय घर के साथ इस समय पूरा गाँव में ही रहूंगी। अगर भावी भविष्य में तुम सभी में से किसी ने अपने बेजुबान जानवर पर जुल्म सितम किया तो मैं चुड़ैल फिर से चांडाल बनकर उसे तार बगार कर दूंगी। अरे नहीं चुड़ैल, हम भला गोमाता को क्यों तकलीफ देंगे। मैं अपने सुनहरे गाय घर में जा रही, अगर तुम में से किसी भी जन के जानवर को कोई बदहाली बीमारी हो तो तुम मेरे सुनहरे गाय घर से मदद मांगना, वो पूरा होगा। शुक्रिया सावित्री, तुम एक नेक दिल चुड़ैल हो। इसी के साथ चुड़ैल सदा के लिए अपने सुनहरे गाय घर में समय पूरा की सीमा में ही रहने लगती है। जब कभी गांव गढ़ को मदद की जरूरत पड़ती तो चुड़ैल अपने सुनहरे गाय घर से उनकी भरसक मदद किया करती थी।